तो देखिए कितना यम्मी और माउथ वाटरिंग पोटैटो लॉलीपॉप बनाए हैं मैंने। बहुत ही इजी रेसिपी है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। फास्टिंग में क्या खाएं समझ में नहीं आता है, तो ये सब बना के खा सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। चलिए बनाते हैं आलू के लॉलीपॉप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको छोटे आलू के लॉलीपॉप बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और ये मोस्टली उपवास के टाइम में खाए जाते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलिए बनाते हैं छोटे पोटैटोज के लॉलीपॉप। तो मैंने छोटे आलू लिए हैं, इनको धो लिया है मैंने। अभी हम इसको कुकर में एक सीटी लगाएंगे और कुकर को खुद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसको छील लेंगे। तो मैंने आलू कुकर में डाल दिए हैं और अभी इसमें डाल देंगे पानी। अब इसको एक सीटी लगने के लिए रख देंगे स्टोव पे। तो देखिए हमारे आलू बॉईल हो गए हैं। मैंने सिर्फ एक सीटी लगाई है इनमें और कुकर को खुद ठंडा होने दिया है। तो अभी जैसे ये ठंडा होंगे हम इसको छील कर रेडी रख लेते हैं। ये आलू मैंने छील कर रेडी रख लिए हैं और अभी सबसे पहले क्या काम करना है हमको, एक किचन टॉवल में रख के आलू को बेलन से थोड़ा सा मार लेंगे, प्रेस कर लेंगे इसको। देखिए किचन टॉवल में मैंने आलू रख दिए हैं और उसको ऐसा फोल्ड करके बेलन से थोड़ा सा मार लेंगे ऐसा, ताकि ये थोड़े से फ्लैट हो जाए जोर जोर से। अब एक पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी गरम करेंगे, थोड़े से फ्लेवर के लिए इसमें हम थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे और ये हरी मिर्ची कट करके डाल देंगे और जो हमने पोटैटो प्रेस करके रखे हैं वो डाल देंगे और स्लो फ्लेम में तो गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। स्लो फ्लेम में ही सेकना है इसको। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर करना है और उसके ऊपर से हमको थोड़ा डालना है सेंधा नमक। स्प्रिंकल कर देंगे सेंधा नमक इसमें दोनों तरफ, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने देंगे। ये देखिए अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। आप ये निकाल लेते हैं इसको और बाकी के आलू भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे आलू के क्रिस्पी लॉलीपॉप बन के तैयार हो गए हैं। अब उसमें टूथपिक डाल देंगे सब में। और इसको हरी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और बहुत ही यम्मी है, बहुत ही फटाफट बन जाते हैं, बहुत इजी है रेसिपी। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको पोटैटो के लॉलीपॉप की रेसिपी कैसी लगी है। आलू के लॉलीपॉप की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन भी दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।